थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ और मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि मैं एकता मैम के साथ काम करूँ, बट मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था अनफॉर्चुनेटली। बट फाइनली मुझे इतना अच्छा एक ब्रेक मिला है फ्रॉम हर पैनल, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई सुन के। बट आई वॉज़ लाइक कंट्रोलिंग माई सेल्फ कि नहीं, अभी रुक जाओ, यू नो, जब तक शूट ना स्टार्ट हो, यू नो, कंट्रोल योर हैप्पीनेस। और तो फाइनली मैं लुक टेस्ट में जाने लगी, फिर मैं नरेशन में गई एंड सारी चीज़ें होने लगी, और फिर मुझे इतना अच्छा किरदार मिला मुझे, एंड मेरे लुक को लेके इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, नॉट ओनली फॉर मी, एवरीवन, मतलब सबके लिए इतना सोचा जा रहा है। और 1980s से लेके 2023 में, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ मैं डिफरेंट कर रही हूँ, लुक चेंज कर रही हूँ। उस समय का जो रेट्रो लुक था मैंने वो भी लिया है, और काफ़ी डिफरेंट है वैसा लुक, मैंने अपने आप को भी पहले कभी नहीं देखा है। और आज के लुक में भी आप देख ही रही हैं मैं कैसी लग रही हूँ। तो हाँ, मैं आई एम दी एंटैगनिस्ट, और मैं यामिनी मेरा कैरेक्टर नेम है। तो यामिनी बहुत ही सुपर पावरफुल लेडी है जो हु वांट्स टू कॉन्कर द यूनिवर्स, यू कैन से, एंड शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी, शी हैज़ एन एटीट्यूड, एंड बहुत ही अलग वे में वो बात करती है, एंड अलग वे में सबको देखती है, समझ जाती है। तो शी इज़ वेरी क्लेवर एज वेल। तो कैसे कैसे वो क्या क्या करती है, बहुत कुछ करती है। अभी ईशा और शालिन के साथ मैंने कल ही शूट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम, और लेकिन हमारी बातचीत पहले होती थी ईशा से, लाइक हमने नरेशन के टाइम पे भी मिले थे, काफ़ी समय हम लोगों ने बात किया अच्छे से। एंड शालिन के साथ भी मैंने कल ही मैं मिली, और थोड़ी बहुत हमारी बात हुई, लेकिन आज हमारी ज़्यादा बातें हुई है। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत लंबा जाना है। तो और जैन के साथ मैंने काम किया है इस शो में, मतलब 2-3 दिन, एंड शिवानगी के साथ भी एक दिन ही आई थिंक वी हैव वर्क। सो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, और काफ़ी अच्छे लोग, मतलब सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, एंड वेरी हम्बल एंड नाइस एंड क्यूट। मैं खुद बेकाबू हूँ मेरी शो के लिए, और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर देखिए 18 मार्च से 9 PM कलर्स पे, शनिवार और रविवार, तो आप लोग भी बेकाबू हो जाएंगे। एंड आई एम श्योर आप लोग प्रोमो भी देख चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, तो ये सिर्फ टीज़र है, इसके बाद बहुत कुछ है। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ वॉच आवर शो एंड यू लव इट। Thank you.